Hi everyone, welcome to our channel. Please subscribe for more different kind of videos and press the bell icon. आज की हमारी रेसिपी है मशावी चिकन. उसके लिए हमने जो सो साबित चिकन लिया, जिसमें से अंदर से सब चीजा निकाल देते, निकाल के खाली खोखा रखते. ठीक है, समझ गए ना आप लोग. उसके लिए देखिए, नमक जो है सो 2 चमचे लेना, हल्दी जो है सो 1 चमचा, मिर्ची 4 चमचे, काली मिर्ची 1/2 चमचा, धनिया पाउडर 2 चमचे, जीरा पाउडर 4 चमचे, 4 चमचे दही, 4 चमचे अदरक लहसुन और 1 छोटी कटोरी तेल. ये टूथपिक हम इसको सील करने के लिए लास्ट में लगाएंगे. अब इसको मिलाते, सब चीजों को मिलाते, मिला के मसाला लगाते इसमें. और से देखिए आप, ये सब डाले बाद पहले दही डालना, तेल नहीं डाल देना, समझे ना. अच्छे से मिलाना, उसके बाद अदरक लहसुन डालना. अदरक लहसुन अच्छा लेना, पानी वानी नहीं रहना ज्यादा उसमें, होममेड अदरक लहसुन ज्यादा अच्छा रहेगा. के बाद तेल डालो, तेल डाल के अच्छे से मिलाओ. अब इसको ऐसे ऐसे धारा लगाते, चरपटे, समझ गया ना, धार बोले तो. हाँ, कट्स, ऐसे कट्स करिए ताकि मैरिनेशन अंदर अच्छे से हुए, डीप कट्स करिए, नहीं तो फिर वो स्मेली स्मेली चिकन की बो आएगी. रान को भी लगाइए थोड़े बहुत कट, दो साइड से कट करी मैंने. ये अब हम इसके आउटर लेयर मैरिनेट करेंगे. आउटर बोले तो बाहर, बाहर अच्छे से अप्लाई करेंगे, डीप कट्स में भी अच्छे से लगाएंगे. अप्लाई बोले तो लगाएंगे, लगाएंगे अच्छे से मलेंगे, कट्स में भी अच्छे से अंदर अप्लाई करिए. उसके बाद आप हाथ में लेके अंदर के हिस्से में भी अच्छे से लगाना पड़ता आप लोग को. देखिए ऐसा लगाना पड़ता अंदर, अच्छा पूरा लगा के. ऐसे नहीं कि पूरा लेयर ऊपर ही अप्लाई कर दे, बैक साइड भी इसको ऐसे ही अप्लाई करना है. टर्न करे, हाँ, अब इसको टर्न करो, पलटाओ, टर्न करके पलटाए और अप्लाई करे अच्छे से. ये मशावी चिकन कहाँ की डिश है? ये है मिडिल ईस्ट की डिश है, यूएई की, खासतौर यूएई की. और इसको किसके साथ खाएंगे? इसको, इसका चावल आता है खबसे की तरह, उसके अंदर, उसके भी है, मैं आगे बताऊंगा. अगर कोई राइस नहीं प्रेफर करेगा तो? राइस नहीं प्रेफर करे तो यानी ऐसे ही खा लेना, पकड़ के खींच खींच के. और जहां तक हो सका छोटा चिकन लेना, बड़ा नहीं लेना, बक्कस हो जाता नहीं तो. इधर हाथ को भी लगाओ, पकवा, पकवा बोलते थे तो, यू नो विंग्स, पकवा, आई डोंट नो. चलो अभी ये मसाला पूरा लग गया, इसको 20 से आधे घंटे तक जो सो ऐसे ही जरा हवा लगने देना बाहर, समझ रहे ना, फ्रिज में नहीं बाहर. उसके बाद हम इसके अंदर सो फील करेंगे, उसके भी आगे हम आपको बताएंगे. फिलहाल आप आधे घंटे तक जरा आराम करिए. ओके, 20 मिनट्स के लिए हम इसे साइड में रख देंगे ड्राई होने के लिए. उसके बाद फिर अंदर की नेक्स्ट फिलिंग का मैं बताऊंगी, नेक्स्ट प्रोसेस. हाँ भाई, चलो ठीक है, ये होगा. देखिए आप, 20 मिनट के ऊपर रख दिए, जरा ये सूख गया, अब इसका काम खत्म हो गया. ठीक है, ये अंदर की फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स है. उसके लिए हमें चाहिए ये 1 चमचा नमक, 1 चमचा मिर्ची, 1 चमचा हल्दी, 1/2 चमचा काली मिर्ची, धनिया 1 चमचा, जीरा पाउडर. ओके, इसके बबाद दही जो है सो 3 चमचे, अदरक लहसुन 2 चमचे, वही छोटी कटोरी में तेल. फिर उसके बाद ले लीजिए आप टमाटे 1 छोटी कटोरी ऐसे में कट कर लीजिए, ऐसे साइज के, ज्यादा छोटे छोटे, बारीक बारीक नहीं करना, चपटे चपटे मोटे रखना. क्यूब्ड वाले लीजिए, अगर बिग साइज टोमेटोज है तो उसको 4 करिए. उसके बाद ले लीजिए शिमला मिर्ची, वो भी वैसे ही कट करना,
उसके बाद ले लीजिए प्याज, प्याज भी चौड़े चौड़े बड़े बड़े रहना। ओके, उसके बाद हो गए आलू, इसको भी क्यूब में। हाँ, 1 कप लिया है हमने पोटेटोस। उसके बाद है गाजर, कैरेट। अब ये जो सो छोटे छोटे कटोरियों में, जैसे कि 3 गाजर लगते हैं, 3 पीस गाजर के लगते हैं, 3 पीस आलू के लगते हैं, 1-2 पीस शिमला मिर्ची के लगते हैं, 1-3 पीस टमाटर के लगते हैं, 3 पीस जो है सो प्याज के लगते हैं। चलिए अब फिर ऐसे ही शुरू से ऐसे ही करना है, पूरे मसाले डाल लेना पहले, ठीक है। उसके बाद पहले उसकी मसाले डाल लिए बाद फर्स्ट दही थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए उसको, फिर दही ऐड करें, फिर दही डाले बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। जरा सही मिक्स करो। ओके, लास्ट में अच्छे से मिक्स करूंगी मैं, पहले ऐड करो। उसके बाद फिर अदरक लहसुन डाल देना। अब तेल डालिए आप, थोड़ा कम भी डाल सकते तेल, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये टमाटर लिए, टमाटर टोमेटोज ऐड करेंगे, उसके बाद शिमला मिर्ची डाल दिए, उसके बाद आलू डाल दीजिए, पोटैटोज, उसके बाद प्याज डालिए, अनियन ऐड करें, दालचीनी इलायची भी डाल सकते हैं आप खुशबू आने के लिए, ठीक है। चलिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, ये फिलिंग रेडी हो गई, फिल कर लेंगे हम। ये सो मिला लिए देखो पूरा, अब मिला के अब इसमें डालते हैं हम लोग जो सो, ये मिला के 5 मिनट जरा हवा खाने के लिए रख दिए। अब इसको हम चिकन के अंदर यानी मुरख के अंदर रखेंगे, सब लगाएंगे, फिलिंग फिल करेंगे हम। हाँ, हाथ अंदर से ही कर जो फिल करेंगे, अब जितना जा सकता उसमें उतना फिल करेंगे, उसके बाद जो बचता है वो चिकन को जब स्टीम करते ना जब वो टाइम में हम यूज करेंगे अच्छे इसको। से मिक्स करके मसाले के साथ ले, खाली वेजिटेबल से खाली मसाला ना फिल करें, लेके इसको लगा के टूथ पिक लीजिए, टूथ पिक लेके इसे पैक करेंगे, एक टांग और सीने का हिस्सा लेके ऐसे टूथ पिक लगाना या थ्रेड से भी आप कर सकते, ठीक है। टूथ पिक लकड़ी के लेना, प्लास्टिक की नहीं। फिर इधर दूसरी टांग को भी लेके ऐसा सीने के साथ ऐसा आप पिन लगा देना, ठीक है, ये पैक हो जाता है। फिर नीचे से दुम के हिस्से से फिर ये ऐसा लगाता, ये पैक हो जाता। देखिए आप ये पीछे दुम के हिस्से से भी लगा दिए, उसके फिर ऊपर से भी लगा देते, पूरा ऐसा पैक कर देते। ये आपका गालिबन रेडी हो चुका है, ऐसे पिन जैसा जितने बोले उतने पिन लगा सकते, ताकि इसको पैक अच्छे से सील करे ताकि वो अंदर ही अच्छे से स्टीम हो जाए वेजीज। जहाँ से भी ऐसे खुले सुराख दिख रहे हैं वह उसको बंद कर देना, 8, 6, 8, 10 जितने भी टूथपिक लगे लगा देना, या थ्रेड से भी आप इसको सील कर सकते हैं। जी हाँ, थ्रेड से भी सील कर सकते हैं, कोई ऐसा पिनों को परेशान नहीं होना, टूथपिक ये लकड़ी की है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता उससे, दूसरे चीज आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती, या थ्रेड से, ठीक है, ये पूरा बंद होगा। ये हो चुका है, पूरे पैक कर दिए। अब इसको जो है सो हम 6 से 8 घंटे फ्रिज में रख देना, रख के जब भी आपको बनाना है निकाल के बना, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अच्छे से मैरिनेशन होगा और अच्छा टेस्ट आएगा उसका। मशावी चिकन के राइस के लिए हमें चाहिए 1 कप फ्राइड अनियन, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 कप कोथमीर पुदीना और हरी मिर्च को ऐसे कट कर लिया है हमने हाफ हाफ कर कर, 1 कप राइस, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसका प्रोसीजर आगे बताऊंगी मैं। ये खड़े मसाले हैं, साबित मसाले, इसमें 2 तेज पत्ता लिया है हमने, 2 दालचीनी, जावित्री, 1 फूलचक्री, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 ड्राइड नींबू। चावल के प्रोसेस के लिए हम पहले प्याज और हरे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। अनियन फ्राई करते टाइम पर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे थे, इसके लिए हम इसमें नमक ऐड नहीं कर रहे, थोड़ा सा पानी ऐड करें, भरकर पेस्ट बना लें। फ
फाइन पेस्ट बन गया है, अब हम इसे निकालेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। एक पैन लेंगे हम, उसको थोड़ा सा गर्म कर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। फिर हमने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसको उसमें रखेंगे। और जो रिमेनिंग वेजिटेबल्स का मसाला था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। जो रिमेनिंग वेजिस हमने रख दिया था उसको ऐसा पूरा साइड से ऐड करेंगे। इसके ऊपर भी चलेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ऐड कर अब हम लिड से क्लोज कर 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर होने देंगे इसको। उसके बाद देन फ्लिप करेंगे। चिकन हम कुक होने के लिए रख चुके हैं, अब यहाँ पर हम अपना चावल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, छोटी कटोरी में आप तेल ले लीजिए। इसको ऐड करें 1 कप ऑयल। उसके बाद थोड़ा ऑयल को गर्म हो गए बाद इसमें देखिए तेज पत्ता है, 2-3 तेज पत्ते है, थोड़े बहुत इलायची है, लौंग है, दालचीनी है और आपके काला नींबू यानी धूप नींबू है, ये सब चीजा इसमें डाल देना है। अच्छा फ्लेवर देगा ये। इसमें जब डाल के हल्का सा इसको फ्राई कर लेना। आप ये देख लीजिए कटोरी का साइज ये साइज की कटोरी का हर चीज होना चाहिए। धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि इसका अरोमा आ जाए हल्का सा। 2 चम्मच अदरक लहसुन डालिए। ये मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन अच्छे से स्टर फ्राई करें ताकि रॉ स्मेल चले जाए अदरक लहसुन की। जैसा कि अदरक लहसुन की बोल जरा चले गए बाद से ये कटोरी में देखिए आप, इसमें जो है फ्राइड वाली प्याज है, इसमें तली हुई प्याज है, कोथमीर है, पुदीना है, करिया पाक है, तो इसका पेस्ट बना के डाल देना है। कम से कम 2-3 कट्टे रहना कोथमीर अच्छे से। इसको 1 मिनट तक जरा अच्छे से सॉटे करें। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको जरा हला लेके लाल कर लेना है। इसको कर लिया बाद 1 कप ये चावल है, 1 कप चावल डालना बासमती चावल। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और भिगो कर रखा था, हाफ एन आवर तो भी भिगाया तो अच्छा होता है चावल। 1 कप चावल डाले बाद 2 कप पानी डालना। 1-2 कप थोड़ा लगा तो थोड़ा भी डाल सकते हैं उसमें, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बाद में इसकी कंसिस्टेंसी देख कर अब ऐड करें पानी। चलिए 1 चम्मच जो है नमक डाल दिए अपन, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। अब इसको हम लिड क्लोज कर 10 मिनट तक पकने देंगे थोड़ा सा, फिर थोड़े और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसमें। और जो है सो एक वही छोटी कटोरी से गाजर डाल देना है, थोड़े से किशमिश डालना है। अब इसमें हम ग्रेटेड कैरेट ऐड करेंगे 1 कप और थोड़े से किशमिश अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और चावल पूरा हुए तक पकाएंगे। इसको लिड क्लोज कर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब चावल हमारा पक चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम ये चिकन चेक करेंगे, 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसे फ्लिप करेंगे। और अब थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से ताकि वो अच्छा फ्लेवर दे, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, ऐसा थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दें, बस ज्यादा ना डालें। अब हम ऐसे लिड क्लोज कर 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर होने देंगे। इसको हमने और एक बार फ्लिप किया था, ऐसे ही आप 5 मिनट के लिए पानी पूरा सूखने तक पका लीजिए। हम 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे पानी। वाओ इट स्मेल्स गुड। बनकर रेडी है हमारा मशावी राइस और मशावी चिकन, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमने प्लेटिंग कर ली है, मशावी चिकन बनके रेडी हो चुका है। ये रायता है और ये शता है,
मशावी चिकन के साथ आप अगर इसे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सील बोल तो समझे ना, उसको पैक करने ऐसा बंद करने के वास्ते चिकन की मशावी मुर्गा मशावी की जो डिश बन अच्छे से मिलाओ। अगर चमचा नहीं डाल के मिला सकते तो ग्लव्स पहन के हाथ से मिलाओ। अगर डायरेक्टली हाथ से मिलाए तो ग्लव्स नहीं यूज करे, हाथ कटा हुआ रहा तो जलता फिर।